गैनोडर्मा जो आज लोगों की जिंदगी बदल रही है। कबीर ने बोला गैनोडर्मा लोगों की जिंदगी बदल रही है, एंड इट इज ट्रू, वेरी मच ट्रू। आने वाले टाइम में बिस्तर पे पड़ जाऊंगा, बट आई वॉज नॉट वरीड। जिसका कोई हल ही नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों करनी? वाई वरी अबाउट दैट जिसका सोल्यूशन नहीं है। उस मीटिंग में जब इस गैनोडर्मा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, आई टुक इंटरेस्ट, इसके बारे में बहुत पढ़ा। बिना जानकारी हासिल किए हुए मैंने ये, कैन यू गिव मी दोस कैप्सूल्स, जब उस मीटिंग में बताया गया कि एक औरत को 5 साल से गठिया था, उन्होंने ये RGGL के कैप्सूल खाए और कुछ महीनों में चलने लगी, बहुत हैरान हुआ, ये सुन के बहुत हैरान हुआ। बट आई थिंक आई डिड ए वाइज थिंग दैट डे के इस बात को रिजेक्ट नहीं किया। नॉर्मली क्या देखते हैं एलोपैथिक लोग, कुछ आज भी, आज इतना एक्सपीरियंस हो गया उसके बावजूद, एलोपैथिक डॉक्टर्स हर्बल में विश्वास नहीं करते। बट मैंने शायद यही एक वाइज डिसीजन लिया कि मैंने उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं किया, ये नहीं कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया। वो स्पीकर जो उस मीटिंग में बोल रहे थे, उनको मैंने यही कहा कि मेरे को कुछ पढ़ने के लिए दीजिए, लिटरेचर दीजिए, गिव मी इंफॉर्मेशन। उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी, कुछ दिन पढ़ता रहा, वेबसाइट, बुक्स, लिटरेचर्स, और 6-7 दिन 8 दिन सब स्टडी करने के बाद मेरे को यह नहीं समझ आई कि इससे गठिया कैसे ठीक होगा, यह नहीं समझ आया। लेकिन एक बात समझ आ गई, पूरी तसल्ली कर ली एक बात पे, कि अगर मैं ये RGGL के कैप्सूल खाना शुरू करूं, ये मेरे को कोई नुकसान नहीं करेंगे। बस सिर्फ ये चीज समझ आई कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। विल टॉक द क्वेश्चन लेटर ऑन। सिर्फ ये बात पे तसल्ली की कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये सोच के 14 जनवरी 2002 जो DXN का सिस्टम है, कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, फॉर्म भरना पड़ता है, मैंने भी अपना फॉर्म भरा और ये कैप्सूल RGGL खाने शुरू किए। भगवान का नाम लिया सबसे पहले और इस पे विश्वास किया, फेथ। कहते हैं विश्वास बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं फलां डॉक्टर, उस डॉक्टर पे हमको इतना विश्वास है, वो मिट्टी की पुड़ी भी देगा तो ठीक हो जाएंगे। विश्वास, इस पे विश्वास किया। और तीसरा, आई गेव ए मैसेज टू माई माइंड कि मुझे अपाहिज नहीं होना, मुझे ठीक होना है। क्योंकि ये भी मैंने कहीं से सुना था, सीखा था कि अगर इंसान का जिंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो 30% प्रॉब्लम उसी से ठीक हो जाती है। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये तीन काम करके ये कैप्सूल खाने शुरू किए, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि जब कुछ हफ्तों में, जस्ट ए फ्यू वीक्स, ये मेरे जॉइंट्स काम करने लगे, नॉर्मल चलने लगा, फिर मुझे लगा कि वाकई ये लोगों की जिंदगी बदलती है। उसके बाद इसके बारे में लोगों से बात करनी शुरू की, क्योंकि लगा इसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। क्योंकि 30 साल की एलोपैथिक प्रैक्टिस में तो यही लगा था कि अगर डायबिटीज है तो सारी उम्र टीके लगते रहेंगे या गोलियां खाते रहेंगे, उससे शुगर का लेवल तो ठीक रहेगा पर आने वाले टाइम में गुर्दे फेल हो जाएंगे, आने वाले टाइम में आंखें खराब हो जाएंगी, आने वाले टाइम में पैर में, नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी के पैर कट भी जाएंगे, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो चाहे वो अस्थमा का अटैक हो, टीका लग के ठीक हो जाएगा लेकिन आने से रुकेगा नहीं। इसमें, इस प्रोडक्ट में ये नजर आया कि शायद प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सकती है। उस समय तो ये था शायद, क्योंकि उस समय मेरे सामने मेरा अपना ही रिजल्ट था और कोई रिजल्ट नहीं था। तो लोगों से मैंने बोलना शुरू किया, पेशेंट तो मेरे पास आते ही थे, क्रॉनिक पेशेंट्स, उनको बोलना शुरू किया कि आपको शुगर है, डायबिटीज है, ये RGGL खाओ, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, RGGL खाओ, गुर्दे की प्रॉब्लम है, RGGL खाओ, चमड़ी की प्रॉब्लम है, RGGL खाओ, गठिया है, RGGL खाओ, कैंसर है, RGGL खाओ, हाई ब्लड प्रेशर है, RGGL खाओ,
लो ब्लड प्रेशर है, आरजीजीएल खाओ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, बहुत मजाक उड़ाया जाता था मेरा, बहुत लोग ताने देते थे मेरे को, और कई तो मेरे दोस्त डॉक्टर्स उन्होंने तो मेरे को ये भी कह दिया कि यार पुराना हम सुनते हैं आदमी सठिया जाता है, पर अभी तो तुम्हारी वो उम्र हुई नहीं, ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लग गए कि एक ही प्रोडक्ट सबको ठीक कर सकती है, एक ही दवाई सबको ठीक कर सकती है। तो मैं उनको यही बात बोलता था कि आपके समझने में यही कमी है कि ये दवाई है, ये दवाई नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि ये दवाई नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने विश्वास करना शुरू किया क्योंकि कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस से बोलता था, बिकॉज आई हैड अंडरस्टूड दिस प्रोडक्ट, विश्वास के साथ बोलता था, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। धीरे धीरे लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों की प्रॉब्लम ठीक होने लगी, उन्होंने और आगे लोगों को बोलना शुरू किया, वो ठीक होते गए, और इस तरह करते करते ये लगभग 3.25 का सफल गुजर गया, और इन 3.25 सालों में जो सेटिस्फेक्शन मिली है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, वो पहले 30 साल में नहीं मिली थी। आई एम सेइंग दिस विद कॉन्फिडेंस। अभी जस्ट अबाउट 1.5 मंथ्स बैक, 1.5 महीना पहले, हरियाणा में एक जगह है असंध, वहां से एक पेशेंट आया मेरे पास, लगभग 41-42 साल का आदमी। उनको क्या प्रॉब्लम थी, पिछले लगभग 12-13 साल से बाई टांग में खून की नाड़ी ब्लॉक थी, इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं, इफ द एनी डॉक्टर्स आर हियर, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, लगभग 11-12 साल से, और उसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं, वीनस अल्सर्स। उस आदमी को पैर में टांग में जख्म हो गए 1996 में, 1996 टांग के एक तो लोअर लेग फ्रंट में एक छोटा जख्म हुआ, और टखने के अंदर की साइड में, बाहर की साइड पे 3 जख्म हो गए। पहले लोकल उसके आसपास के छोटे मोटे डॉक्टरों की ट्रीटमेंट चलती रही, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, रोहतक मेडिकल कॉलेज में गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में आए, PGI चंडीगढ़ में गए। 9 साल तक उन अल्सर्स का ट्रीटमेंट होता रहा, पर वो अल्सर बढ़ता चला गया, और अभी जनवरी में 2 महीने पहले उनको बोला गया था एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, टांग काटनी पड़ेगी, और वो कटवाने को तैयार हो गए कि 9 साल से तो देख रहे हैं कोई हल नहीं हो रहा, एम्पुटेशन के तैयार हो गए। फरवरी में उनकी एम्पुटेशन होनी थी। उनके एक रिश्तेदार हैं पटियाला में रहते, एक डॉक्टर हैं, वो भी मेडिकल ऑफिसर है पंजाब में, मेरे को जानते हैं, दोस्त हैं, उन्होंने उनको बोला कि टांग कटवाने से पहले एक बार आप पटियाला आ जाओ, जस्ट कम वंस। वो मेरे पास आए 1.5 महीना पहले, और जब उनकी जो पट्टियां बंधी हुई थी, जो पट्टियां खोली, जो टांग के नीचे जख्म था लगभग 3-3.5 इंच का, उसमें हड्डी नजर आ रही थी, कोई टिश्यू नहीं था, टीबिया वॉज क्लियरली विजिबल, नो टिश्यू, बिल्कुल मांस नहीं था उसमें, और टखने की अंदर की साइड में, बाहर की साइड में नर्व्स एंड टेंडन्स आर विजिबल, नाड़ियां नजर आ रही थी, कोई टिश्यू नहीं था। जब पट्टी खोली तो वो मेरे से पूछने लगे, डॉक्टर हाँ जी इसका क्या हो सकता है। आई टोल्ड हिम एक मिनट रुको, मैं घर गया, पहले जाके अपना कैमरा उठा के लाया, फोटो ली उनके, वो डॉक्टर साहब नाराज हो गए कि मैं तो आपको मरीज देखने के लाया हूँ और आप अपनी फोटोग्राफी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता था कि फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, कि आपने फोटोग्राफी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, ये बात ये है कि आई एम कॉन्फिडेंट ये ठीक हो जाएगा, और जब ये ठीक हो जाएगा, चमड़ी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी, और लोगों को बताएंगे ऐसी हालत थी, लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए फोटो ली। और उसके बाद उनकी ड्रेसिंग की, ये RG का कैप्सूल, ये खोल के इसके 5-6 कैप्सूल, उसके ऊपर पाउडर डाला जख्मों के ऊपर, और उनको खाने के लिए, दोनों कैप्सूल खाने के लिए भी बताया, और उनको बोला कि मेरे को 15 दिन के बाद आके दिखा के जाइएगा, ये रोज इस तरह से ड्रेसिंग करिए, इसके साथ ड्रेसिंग करिए रोज। 15 दिन के बाद वो आए, उनका तीनों जख्मों में टिश्यू लगभग 25% ग्रो हो गया था इन 15 डेज। फिर से ड्रेसिंग की, और उनको बोला इसके साथ ड्रेसिंग जारी रखो, नो एंटीबायोटिक्स, आई स्टॉप्ड ऑल एंटीबायोटिक्स, ओनली एक सेप्टिलिन टैबलेट होती है ना हिमालय ड्रग कंपनी की, सिर्फ वो दी, सब एंटीबायोटिक सारे बंद करी, ही हैड बीन टेकिंग सो मेनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, वो सब बंद करवा दिए। फिर 15 दिन के बाद बुलाया, आए, और उस 15 दिन के बाद यानी कि 1 महीने में
उनका जख्म ग्रेनुलेशन टिश्यू पूरी तरह भर चुका था, कंप्लीटली, तीनों जख्म कंप्लीटली भर चुका था और तीनों में साइडों में स्किन ग्रो होनी शुरू हो गई थी। उस दिन वो जो डॉक्टर उनको लेके आए थे, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, क्योंकि उनको अभी गैनोडोमा के बारे में नहीं पता था, अभी रिसेंटली जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, इतना हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू एलोपैथी के 30 साल में नहीं देखा, जो इतना हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू था वो। फिर उनको 15 दिन के बाद बुलाया और अभी पिछले हफ्ते दिखा के गए हैं, तीनों जख्मों में नियरली 20% स्किन भी कवर हो चुकी है और उनकी टाम में आज सेंसेशन भी वापस आने लगी एंड ब्लड का फ्लो भी शुरू हो चुका, ऐसा 30 साल में नहीं देखा था। और उस दिन आदमी रो पड़ा कि सर लगता है अब मेरी टांग बच जाएगी, उसकी भी जिंदगी बदल गई इसकी वजह से। लोगों की जिंदगी बदलती है इसकी वजह से बदलती है। 5-6 दिन पहले एक आदमी आया मेरे पास, लुधियाना के पास है गांव से, कोई 1.5-2 महीने पहले फोन पे बात हुई थी मेरे से, उनको डायबिटीज थी, डोज पूछी, एक डीएक्सएन साथ जुड़ा हुआ आदमी था, क्या डोज देनी है जी, मैंने डोज बता दी 5-6 दिन पहले। वो आदमी बुजुर्ग आदमी है, अराउंड 62-63 साल के, वो आए, जेब से फोटो निकाली, सर मेरी फोटो देखिए। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो पेशेंट देखता हूँ, मैं फोटो नहीं देखता। नहीं सर ये फोटो देखिए। देखी फोटो, मैंने कहा क्या है इसमें, आप कहते मेरी तरफ देखिए। मैंने चेहरा देखा, फिर से मेरी नज़र फोटो पे गई एकदम से। क्या कारण था उस फोटो में, वो 3 महीने पुरानी फोटो थी, उस फोटो में उनकी एक बाई आंख बंद थी और अब वो बाई आंख खुली हुई थी। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, क्योंकि मैं तो उस पेशेंट की हिस्ट्री जानता नहीं था, सिर्फ फोन पे बात हुई थी कि जी फलां को शुगर है कैसे शुरू करें। तो वो बताने लगे, बोलते हैं जी आप एक 3 बहुत मशहूर डॉक्टर हैं आंखों के पंजाब में, दुनिया में मशहूर हैं, उन्होंने तीनों का नाम लेके कहा कि आपकी इस दवाई ने वो तीनों डॉक्टरों को फेल कर दिया। क्या आज से 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में ये आंख की नर्व डैमेज हो गई, रोशनी भी आंख की बहुत कम हो गई, सिर्फ 20-1% रह गई और ये पलक ये गिर गई, उठती नहीं थी। तो सब आंखों के डॉक्टर ने बोला कि ये नाड़ी आपकी डेड हो गई है, ये नहीं ठीक हो सकती सारी उम्र। और 1.5-2 महीने में उनकी ये पलक खुल गई, उसकी भी जिंदगी बदल गई। गैनोडोमा से जिंदगी बदलती है। दीज आर सम रिसेंट रिजल्ट, रिजल्ट तो अब बहुत हैं, पर उसके बावजूद भी अब मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, कई लोग अब भी विश्वास नहीं करते, बट हम लोग जो डीएक्सएस जुड़े हैं हमको पता इसमें कितनी ताकत है, सो हम लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाते हैं, किसी को अच्छा लगे ठीक, ना अच्छा लगे ठीक। अब ये नमस्कार, क्या चीज़ है ये, सब कुछ कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दैट। नहीं है जो कह सके कि मैं 100% स्वस्थ हूं, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसकी हर एक को जरूरत है। आज हर एक स्वस्थ क्यों नहीं है, ये जो खाने पीने में जो प्रॉब्लम है, नेचर ने प्रकृति ने ये जो ह्यूमन बॉडी बनाई है, इंसान का शरीर, ये दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है ये इंसान का शरीर, क्योंकि नेचर ने इस शरीर के अंदर एक बहुत अद्भुत ताकत रखी हुई है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की अंदर की ताकत, रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर इंसान का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह फंक्शनल है, तो और किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बीमारी नहीं आती अंदर। इतनी ताकत प्रकृति ने दी हुई है, इंसान का शरीर इम्यून सिस्टम सब बीमारियों से निपट सकता है, पर आज इम्यून सिस्टम बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया, खाने पीने की क्वालिटी बदल गई, टॉक्सिन्स, वी आर ईटिंग टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ, खेतों में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया से बना हुआ दूध, दूध के लिए जानवरों को टीके,
और ये जो सब केमिकल्स हैं ये उस खुराक के रास्ते उस दूध के रास्ते हमारे अंदर जा रहे हैं। ठीक बात है ना, ये हमारे अंदर जा रहे हैं। मुझे याद है 5-6 महीने पहले पंजाब में एक जगह पे ऐसी मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में एक पंजाब किसान यूनियन के एक प्रधान हैं प्रेसिडेंट वो बैठे हुए थे। अभी मीटिंग शुरू होने में 2-4 मिनट थे तो वो मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनके साथ थोड़ी डिस्कशन करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जी आप बुजुर्ग हैं, आप सियासत में भी हैं पॉलिटिक्स में भी हैं, बहुत आपकी जानकारी बहुत होगी, आप क्या मेरे को बता सकते हैं कि आज बहुत बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं? और वो पंजाब किसान यूनियन के प्रेसिडेंट वो बोलते हैं जी ये जो खेतों में हम जहर डाल रहे हैं फर्टिलाइजर्स खादें, तो मैंने कहा आपको इस बात का पता है? कहते हैं हाँ जी पता है। तो मैंने कहा आप तो प्रेसिडेंट हो पंजाब किसान यूनियन के, तो इसके बारे में आप कुछ स्टेप्स क्यों नहीं लेते? और जी मैंने बात की थी, मैंने फलां चीफ मिनिस्टर से बात की थी, फलां चीफ मिनिस्टर से बात की थी, वो सुनते ही नहीं। ये फर्टिलाइजर बनाने की नई नई फैक्ट्रियां लगाते जाते हैं, तो मैंने उनको बोला कि वो फैक्ट्रियां इसलिए लगाते हैं क्योंकि किसान उनको मांग रहा है। जब किसान कहेगा कि हमने खेतों में ये जहर यूज नहीं करना तो वो फैक्ट्रियां कहां से लगेंगी? अपने आप बंद हो जाएंगी, बिकॉज डिमांड आ रही है, उससे पैदावार ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा आता है, पर अल्टीमेटली वो जो जमीन है उसकी उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाती है और सेहत तो खराब होती होती है, उसके बावजूद यूज हो रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, 1.5 साल पहले बहुत रिपोर्ट्स आई थी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितने इंसेक्टिसाइड और कितने पेस्टिसाइड पाए गए। मेरे पास एक रिपोर्ट है, पेस्टिसाइड्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्ड फैक्ट्स, ये एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, मेडिकल जर्नल पंजाब का एक मेडिकल जर्नल है, करंट मेडिकल जर्नल नॉट जोन अगस्त 2003, ये डॉक्टर्स की एक रिसर्च रिपोर्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक से देखा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इंसान के शरीर को एक तरीके से नहीं कई तरीकों से हानि पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में एक लेवल होता है पीएच लेवल, नॉर्मल होता है 7 पीएच पे हमारा बॉडी ठीक से काम करता है। जब 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, तेजाबी बन जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय है। एवरेज पीएच जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की है वो 3.4 है, 3.4। ये इतनी स्ट्रांग एसिडिटी है कि इससे हड्डियां और दांत इसमें घुल जाते हैं, वो स्ट्रांग एसिडिटी इतनी स्ट्रांग है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई विटामिन नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते, और फिर उसमें जो हम लोग पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को शेल्फ से उठा के तो पीते नहीं, सबसे ठंडा। जब बाजार से खरीदने भी जाते हैं तो वो जो फ्रीजर में सबसे ठंडा पड़ा हुआ वो देना, ठंडा मतलब कोका कोला वो देना, और इतने कम तापमान पे सम टेम्परेचर समथिंग लाइक 0 डिग्री सेल्सियस के करीब जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उससे हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम है वो काम करना छोड़ जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करना छोड़ जाते हैं, खाना हजम नहीं होता, खाना सड़ने लगता है, फर्मेंटेशन होने लगती है। जब फर्मेंटेशन होने लगती है तो उससे कई बदबूदार गैसेस बनती हैं और कई तरह के टॉक्सिन बनते हैं, विषैले पदार्थ, और वो टॉक्सिन्स हमारे अंतड़ियों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरे खून के रास्ते पूरे शरीर में दौरा करते हैं और अलग अलग अंगों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे अलग अलग अंगों की बीमारियां होती हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जस्ट इमेजिन एक बच्चे की सॉफ्ट इंटेस्टाइन के ऊपर ये कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। जो इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पाए गए DDT, लिंडेन, क्लोरोपाइरीफॉस, मेलेथियन, वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं? DDT एंड इट्स मेटाबोलाइट्स नर्वस सिस्टम को खराब करता है, नाड़ियों को खराब करता है और प्रोबेबली शायद कैंसर पैदा करता है, प्रोबेबली कार्सिनोजन। लिंडेन ये एक नाड़ियों को पॉइजन है, लिंडेन, और बच्चे पैदा करने की ताकत को खराब करता है। और ये आज कुछ वर्ल्ड की रिपोर्ट्स हैं कि आज दुनिया भर में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, शायद ये भी कारण है उसका।
सॉफ्ट ड्रिंक्स और लिंडेन से कैंसर होता है. इट इज ए नोन कार्सिनोजन. ये कैंसर पैदा करता है. क्लोरोपाइरीफॉस इट कॉजेज निमोनिया. और अगर और मसल पैरालिसिस मांसपेशियों का लकवा. और अगर सांस की मसल पेशियों का मांसपेशियों का लकवा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है. रेस्पिरेटरी फेलियर. मेलाथियोन ये नर्वस सिस्टम को खराब करता है और इसकी हाई एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और डेथ हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर हैं डॉक्टर रॉस वॉकर. एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं हार्ट स्पेशलिस्ट हैं. उन्होंने लगभग 12 साल सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर रिसर्च की कि उसका हमारे शरीर की सेल्स के ऊपर क्या असर हो रहा है. और उनकी 12 साल की रिसर्च की रिपोर्ट थी कि एक प्रॉब्लम होती है बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं. हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं. तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है नॉर्मली ये औरतों में होती है 50-55 साल की उम्र के बाद जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं. पर डॉक्टर रॉस वॉकर की रिपोर्ट के मुताबिक आज ये ऑस्टियोपोरोसिस 20-25-30 साल की औरतों को ही नहीं आदमियों को भी हो रहा है. और उनकी रिपोर्ट एक और चीज़ कहती है कि जो बच्चे रेगुलर तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनका हड्डियाँ टूटने का रेट 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है उन बच्चों से जो नहीं पीते. और लास्ट में ये डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है उसके बावजूद आजकल सॉफ्ट ड्रिंक तो चल रहे हैं. क्यों चल रहे हैं? क्योंकि टीवी के ऊपर ये प्यास है बड़ी ये दिल मांगे मोर. और लास्ट में ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है यू शुड ड्रिंक कोलाज ओनली इफ योर दिल मांगे मोर पेस्टिसाइड्स. ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट नंबर 2004. सॉफ्ट ड्रिंक्स कुड लीड टू हार्ड टाइम्स. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है पर ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की नहीं है ये एक अमेरिका के जर्नल की रिपोर्ट है. वॉशिंगटन ए न्यू स्टडी पब्लिश इन द अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ हैज फाउंड दैट द कंजम्पशन ऑफ स्वीटेंड बेवरेजेस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट ड्रिंक्स. ये जो डब्बों में फ्रूट ड्रिंक्स भी आते हैं वो भी has grown to such an alarming rate that it has become one of the causes of obesity and diabetes. आज दुनिया की 20% population diabetes की मरीज है. ये report यही कह रही है. What is even more dangerous according to the researchers is the fact that soft drinks could become a serious health hazard. पर ये सब कुछ पता होने के बावजूद अखबारों की report टीवी पे बहुत आया क्या लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पीने छोड़ दिए? हाँ फर्क पड़ा क्योंकि उन्होंने कीमत 10 रुपए से 6 रुपए कर दी. उन्होंने इसीलिए कर दी कि कहीं लोग पीना ना बंद कर दें तो लोगों ने अरे अब तो सस्ता हो गया पी सकते हैं. वी आर हार्मिंग अवर सेल्स. हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं. संडे ट्रिब्यून चंडीगढ़ 20 जून 2004. पैरट्स डाई आफ्टर कंज्यूमिंग जामुन. जामुन खा के बहुत सारे तोते मर गए. जामुन में क्या प्रकृति ने कोई जहर डाला हुआ है कि वो खाने से तोते मर गए? ये मर गए इंसान के लालच की वजह से. ये पंजाब में एक जगह फरीदकोट है वहां की एक रिपोर्ट है. वहां पे जो जामुन का जो फार्म था जहां पेड़ थे जिन लोगों के पास उसका ठेका था वो इंतजार नहीं कर सके क्योंकि जो प्रकृति ने चीज बनाया कि फल लगेगा फल पकेगा उसके बाद उतार के बाजार में पहुंचेगा. पर उसके ठेकेदार वेट नहीं कर सके कि कब फल पकेगा कब उतारेंगे कब बाजार जाएगा कब पैसा आएगा. उन्होंने क्या किया उन जामुनों के ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे कर दिए. केमिकल्स जल्दी पक जाए जल्दी पैसा आ जाए. पर फॉर्चुनेटली वो मार्केट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे तोतों ने खा लिए और वो तोते मर गए. इंसान को एक लेसन सिखा के गए कि क्या कर रहे हो आप अपनी सेहत के साथ. वी टेस्टेड योर लंच 10 markets, 3 cities. मुंबई इज द वर्स्ट. इंडियन एक्सप्रेस 13 अक्टूबर 2003. द पॉइजनिंग ऑफ मुंबई. दिल्ली का बताता हूं. इसमें ऐसा होता है लेड एक हैवी मेटल होता है. आजकल जो हम फास्ट फूड जो खाने खाते हैं उनमें लेड की मात्रा जो है उसके बारे में बताते हैं. दिल्ली 2 to 16 times above European standards.
मरकरी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली की खुराक में मरकरी इस डेट तक नहीं पाया गया था, बॉम्बे पुणे में है। और बैक्टीरिया कीटाणु दिल्ली में 3,10,000 से लेकर अनकाउंटेबल इतने किस्म के कीटाणु खुराक में पाए गए, जो लोग रोज खाना खा रहे हैं उसमें पाए गए। और ये जो सब चीजें हमारे अंदर जा रही हैं ये बीमारियां पैदा कर रही हैं। हवा में जो आज प्रदूषण की मात्रा है उससे कितने टॉक्सिन हमारे अंदर जा रहे हैं। आज की हवा में जो पोल्यूशन है उसमें नियरली 8,000 किस्म के केमिकल्स हैं हवा में जो सांस के रास्ते हमारे अंदर जा रहे हैं। और ये जो सब केमिकल खाने के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते हमारे अंदर जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, सेल्स हर कोई समझता है, कोशिकाएं, जो हमारा शरीर है अरबों खरबों सेल का बना हुआ है। इंसान का जीवन जब शुरू होता है माँ के गर्भ में दो सेल से शुरू होता है, एक आदमी की सेल एक औरत की सेल, वो दोनों सेल इकट्ठी होती हैं, एक सिंगल सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, वो सिंगल सेल डिवाइड होती है दो बनती हैं, दो का विभाजन होता है चार बनती हैं, चार का विभाजन होता है आठ, फिर 16, 32, 64, 128, 256 सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। और जब बच्चा 9 महीने और 7 दिन के बाद पैदा होता है तो उसके शरीर में अरबों खरबों सेल्स होती हैं। ये जो इंसान का शरीर है एक सेल्स की कलेक्शन है, कोशिकाओं की एक कलेक्शन है, और हर सेल अपने आप में एक कंप्लीट फैक्ट्री है, उसके अंदर बिजली का करंट जनरेट होता है और केमिकल जनरेट होते हैं, कंप्लीट फैक्ट्री है। हमारे शरीर में अरबों खरबों फैक्ट्रीज चल रही हैं और वो अरबों खरबों फैक्ट्रीज आपस में तालमेल में काम कर रही हैं। इंसान जो फैक्ट्री बनाता है उनका पड़ोस की फैक्ट्री से हमेशा झगड़ा रहता है। और ये जो प्रकृति ने ये जो फैक्ट्री बनाई है इसका जवाब कोई नहीं है। I'll just give you one example. मैं इसे क्या मीन, what I mean by this? इंसान कोई फैक्ट्री लगाता है, हर फैक्ट्री में पंप हाउसेज होते हैं, पंप लगे होते हैं। और एक उदाहरण लेता हूं, एक फैक्ट्री में 8 पंप हैं, एक टाइम पे 4 पंप चलाए जाते हैं, बाकी 4 को रेस्ट दिया जाता है। ये पंप 3 घंटे चला के इनको बंद करके ये दूसरे पंप चलाए जाते हैं, 3 घंटे ये चला के इनको बंद कर देते हैं ये चलाए जाते हैं, क्योंकि वो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते 3 घंटे से ज्यादा। नेचर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में भी एक पंप लगाया हुआ है, दिल, हार्ट। गर्भ के 5वें महीने में ये पंप एक्शन शुरू करता है, धड़कना शुरू करता है। बच्चे का जन्म होता है पंप धड़कता है, हार्ट धड़कता है एवरेज 1 मिनट में 72 दफा, और एक एवरेज मैं एज लेके चलूं 70 साल, 70 साल तक ये पंप नॉनस्टॉप काम करता है। कभी किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती, कभी किसी तरह की रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती, नॉनस्टॉप। और ये 70 साल में ये पंप 1,14,73,00,000 और लगभग 54,000 टाइम्स धड़कता है नॉनस्टॉप। ये नेचर का बेस्ट डॉक्टर है, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, नेचर का बनाया हुआ। लेकिन हमने शरीर की कदर नहीं की, हमने इसको बिगाड़ लिया। ये जो टॉक्सिन हम ले रहे हैं उन सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब सेल के अंदर वो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, वो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो सेल का बिजली की क्रिया और रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। और जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर बीमारियां आती हैं। जिस अंग की सेल डैमेज होती हैं उस अंग की बीमारियां आती हैं। ये जो गैनोडर्मा ये किसी बीमारी पे काम नहीं करती, ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है। अगर आपको किसी ने आज ये बताया ना कि ये बीमारी की दवाई है, गलत बताया। ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है, ये एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, एक नेचुरल मशरूम है जो हमारे शरीर की वो जो अरबों खरबों सेल्स हैं उनके ऊपर काम करती है। रूट कॉज ऑफ द डिजीज, नॉट द डिजीज। क्या हो गया? एनीबॉडी कैन टेल मी? आप मैडम बताएंगे? आप बताएंगे? जनरली 2-3 किस्म की, वो सफेद वाली गोल बटन मशरूम, एक वो छतरी वाली ऑयस्टर मशरूम,
आज से 3.25 साल पहले मैं यही जानता था कि खुम्बी दो किस्म की होती है, पर उस मीटिंग में जाके पता लगा कि खुम्बी दुनिया में 38,000 किस्म की होती है, 38,000 वैरायटीज ऑफ मशरूम इन द वर्ल्ड। अभी एक लेटेस्ट आगरा यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट मिली है मेरे को, एग्रीकल्चर पीपल कैन टेल बेटर। यस, वो भी रिपोर्ट पता है, उस रिपोर्ट के मुताबिक खुम्बी दुनिया में 67,000 किस्म की होती है, 67,000। उन 67,000 में से या 38,000 में से ये एक किस्म की खुम्बी, एक मशरूम है, नेचुरल मशरूम। मैंने इसका नाम 7 जनवरी 2002 को जिंदगी में पहली बार सुना था, कुछ नहीं जानता था ये क्या है, आज इसके बारे में बहुत कुछ जान गया। लेकिन इसकी हिस्ट्री नहीं चल रहा। गैनोडर्मा चीन में इस्तेमाल हो रही है, चीन के वैद्य हकीम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको 5000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है और लगभग हर बीमारी के उनके पास रिजल्ट है। एक आदमी हुआ चीन में जिसका नाम है शेनडोंग, शेनडोंग, उन्होंने आज से लगभग 4850 साल पहले जितनी नेचुरल हर्ब्स हैं उनको स्टडी किया, उनकी मेडिसिनल वैल्यू को स्टडी किया, और उन्होंने जो हर्ब्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी इंफीरियर, जिसमें दवाई के गुण कम हैं, एक कैटेगरी एवरेज, जिसमें नॉर्मल दवाई के गुण हैं, और एक सुपीरियर, अव्वल दर्जे वाली, और वो सुपीरियर कैटेगरी में इस गैनोडर्मा को नंबर 1 पे रखा गया है, नंबर 1 हर्ब इन द सुपीरियर कैटेगरी। उन्होंने किताब लिखी थी 4846 साल पहले, 2838 BC में, शेनडोंग्स हर्बल क्लासिक, उस किताब में इस गैनोडर्मा को एक संजीवनी बूटी का दर्जा दिया गया है। ये उसमें डिस्क्रिप्शन है, ए मशरूम ऑफ लॉन्गिविटी एंड इमोर्टैलिटी, अमरत्व की बूटी। कई बार लोगों से डिस्कशन हुई मीटिंग में, कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये कहीं वही तो नहीं जो हनुमान जी लेके आए थे, कई बार लोगों ने मेंशन किया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब वो हनुमान जी जहां से लाए थे हिंदू कुश पर्वत से, और हिंदू कुश पर्वत जो एरिया है तिब्बत का एरिया, वहां ये पाई जाती है, हो सकता है यही हो, बट इसका कोई प्रूफ या रिकॉर्ड नहीं है, कुड बी दिस। तो वो जो किताब है शेनडोंग हर्बल क्लासिक, आज से लगभग 100 साल पहले दुनिया की नजरों में आई, अलग अलग भाषाओं में उसकी ट्रांसलेशन हुई, तो पूरी दुनिया ने गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और पिछले 30-32 साल से पूरी दुनिया में बहुत सारे मेडिकल स्कूल, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके हैं और इसके गुणों को पहचान चुके हैं। गैनोडर्मा में अब तक जो रिसर्च हुई है 200 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं, पाए जा चुके हैं। अब ये इंसान तक कैसे पहुंची, नेचर में ये बहुत दुर्लभ जाति की मशरूम है, बहुत दुर्लभ, बहुत घने जंगलों में पाई जाती है, दुनिया के सिर्फ 3-4 कंट्रीज, चाइना, जापान, कोरिया, लिटिल बिट मलेशिया, लिटिल बिट साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वहां पाई जाती है, और उन देशों में बहुत घने जंगलों में पाई जाती है, उन घने जंगलों में टूटे हुए और सूखे हुए पेड़ों के ऊपर पाई जाती है, हर पेड़ के ऊपर नहीं, 2 किस्म के पेड़ होते हैं, प्लम सराटा, प्लम ग्यूरकस, उन 2 पेड़ों के ऊपर पाई जाती है, और ये जो 2 किस्म के पेड़ हैं प्लम सराटा ग्यूरकस, हर पेड़ के ऊपर नहीं उगते, अगर 10,000 पेड़ ढूंढे जाएं तो गैनोडर्मा उनमें शायद 2 या 3 के ऊपर मिलती है। और इसमें एक और खासियत होती है, जब ये गैनोडर्मा खुम्बी 90 दिन की होती है इसमें दवाई वाले गुण तब आते हैं, उससे पहले नहीं होते, जब 100 दिन की होती है पूरी मेच्योर होती है, दवाई वाले गुण इसमें पूरे भरपूर होते हैं, उसके बाद ये सूखनी शुरू हो जाती है और इसमें दवाई के गुण खत्म हो जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से नेचर में इसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अभी पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत सारे चाइनीज लिटरेचर पढ़े गैनोडर्मा के कारण, तो उन कई लिटरेचर में पढ़ा मैंने कि पुराने जमानों में लोग जंगलों में भटकते थे
इस गैनोडर्मा को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको लोगों का मानना था कि जिस घर में ये गैनोडर्मा होगी उस घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ना हेल्थ की प्रॉब्लम ना वेल्थ की प्रॉब्लम, ये लोगों का मानना था। लोग इसमें एक स्पिरिचुअल पावर मानते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती। पर ये एक आदमी हुए, ये फोटो देख रहे हैं, डॉक्टर लिम सर्जन, आई शो यू हेयर लिम सर्जन। ये चाइनीज मलेशियन है, मलेशिया में रहने वाले हैं, एक खानदानी वैद्यों के परिवार से संबंध रखते हैं। बचपन से इनको कुछ खुंबी में दिलचस्पी हो गई। जब ये बड़े हुए तो इनके घर वालों ने कहा कि ये वैद्यगिरी में नहीं पढ़ने वाले, इनका इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया इंडिया में, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। वहां से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की, और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करके जब मलेशिया वापस गए तो इन्होंने भी वो शेननोंग वाली किताब पढ़ी। मशरूम में उनको इंटरेस्ट था बचपन से। जब उन्होंने गैनोडर्मा के बारे में इतना कुछ पढ़ा तो उन्होंने अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लिया और गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। उनकी रिसर्च का विषय था गैनोडर्मा और उसका इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर असर। 10.5 साल तक डॉक्टर लिम सर्जन रिसर्च करते रहे, और 10.5 साल की रिसर्च के बाद वो डॉक्टर बने। उनको पीएचडी की डिग्री मिली, पीएचडी इन होलिस्टिक मेडिसिन 1997 में पीएचडी इन होलिस्टिक मेडिसिन। फर्दर रिसर्च करते रहे, 2002 में डीएससी डॉक्टरेट ऑफ साइंस, डीएससी इन होलिस्टिक मेडिसिन। और अब पिछले 3-4 साल में डॉक्टर लिम को बहुत इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2001 में मिला था मैन ऑफ द मिलेनियम, इस युग का आदमी, कि उन्होंने ये जो गैनोडर्मा को इंसान तक पहुंचाया। डॉक्टर लिम ने क्या किया, ये मलेशिया में ये कंपनी एस्टेब्लिश की DXN 1993 में। ये कंपनी एस्टेब्लिश करके वहां पर इन्होंने गैनोडर्मा की कल्टीवेशन खेती करनी शुरू की, प्योरली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल्स, नो इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन खेती करनी शुरू की। और जब 100 दिन की हो गई तो इसको काट लिया। ये DXN की एक 100 दिन की ये मेच्योर मशरूम है, कंप्लीट मशरूम, ये एक्चुअल मशरूम है। काट लिया, काट के इसका फ्रूट हिस्सा अलग कर लिया, जड़ का हिस्सा अलग कर लिया। इसके अंदर पानी होता है बहुत, इसका पानी सुखाने की उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक निकाली, फ्रीज ड्राइंग। आज दुनिया में, क्योंकि गैनोडर्मा के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी, दुनिया में बहुत सारी कंपनी आज गैनोडर्मा उगा रही हैं, लेकिन जो असर DXN की गैनोडर्मा का हो रहा है किसी और का नहीं हो रहा। उसका कारण है जो डॉक्टर लिम की इसको सुखाने की टेक्निक है, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक। सुखा लिया, सुखा के ये जो उसका ऊपर का ब्राउन हिस्सा है, ये धागेदार रेशेदार हिस्सा है, फाइब्रस पोर्शन, इसमें मेडिसिनल वैल्यू कम है, इसको निकाल दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेट करके ये जो अंदर का पल्प, जो गुदा बच गया, उसको एक माइक्रो पाउडर बना लिया जाता है। इसको अलग से, जड़ वाले हिस्से को अलग से, माइसिलियम अलग से, एक माइक्रो पाउडर बना के इनको कैप्सूल में भर दिया जाता है। ये फ्रूट बॉडी से जो कैप्सूल बना, ये जो ऊपर की फ्रूट बॉडी है, इससे जो कैप्सूल बना, इसका नाम है RG या रेशी गैनोडर्मा। इसमें इस फ्रूट बॉडी का पाउडर है, और इसकी जो जड़ से पाउडर बना, गैनोसिलियम, नीले कैप वाली गैनोसिलियम या GL। RG फ्रूट बॉडी का पाउडर, GL जड़ का पाउडर। इन दोनों कैप्सूल में गैनोडर्मा के पाउडर के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं डाला जाता, सिर्फ इसका वो फाइब्रस पोर्शन निकाला जाता है, इसके अंदर और कुछ नहीं डालते। RG एंड GL दोनों एक ही मशरूम के हिस्से हैं, फ्रूट एंड रूट, तो अलग अलग क्यों रखा गया, दोनों को पीस के एक ही कैप्सूल में क्यों नहीं डाल दिया गया? उसके कुछ कारण हैं जो रिसर्च में पता लगे। एक तो मैंने ये RG बताया कि जो पुराने घाव होते हैं उनके ऊपर ये कैप्सूल खोल के इसका पाउडर डाला जाता है। किसी को डायबिटिक गैंग्रीन है, शुगर हो गई, पैर में चोट लग गई, जख्म नहीं ठीक हुआ, गैंग्रीन हो गई, वैसे जख्मों के ऊपर ये पाउडर डाला जाता है। और ये जो GL है, इसमें एक चीज़ होती है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। किसी को ब्रेन डिजेनरेशन है, नाड़ियों की डिजेनरेशन है, या स्मरण शक्ति कमज़ोर है,
कमजोर है उसके लिए ये ज्यादा यूज किया जाता है। आरजी एंड जीएल अलग अलग यूजेस होने की वजह से अलग अलग कैप्सूल रखे गए, लेकिन जनरली दोनों को मिला के इकट्ठा ही खाया जाता है। चल नहीं होता रहने तो मैं मार्कर यूज कर लेता हूँ। इकट्ठा ही खाया जाता है, इसको बोलते हैं एक आरजी और एक जीएल मिला के हम बोलते हैं एक जोड़ा, वन पेयर। जो हम लोगों को इसको खाने का तरीका बताते हैं कि आपने एक पेयर खाना है या दो पेयर खाने हैं या चार खाने हैं, वी टेल इन पेयर्स। अब एक ही चीज, एक ही मशरूम जो दवाई नहीं है सारी बीमारियां कैसे ठीक कर सकती है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आ जाएगा थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे। हाँ चल, इट वर्क्स एट द सेल लेवल, जो तो मैंने आपको बताया गैनोडर्मा वर्क्स एट द सेल लेवल। इट इज नॉट डिजीज और ऑर्गन स्पेसिफिक, किसी बीमारी या किसी अंग के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हाँ थोड़ी जगह दीजिए मेरे को। अब क्या काम करती है और कैसे काम करती है, हाउ डज गैनोडर्मा वर्क? आप ऐसा करो, इसका पाउडर रिलीज होता है, वो पाउडर खून में मिक्स होता है और खून के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता है। और खून जो हमारा है, हमारे शरीर की जो अरबों खरबों सेल हैं, एक एक सेल तक खून पहुंचता है, क्योंकि सेल को खुराक मिलती है खून से, सेल को ऑक्सीजन मिलती है खून से, तो वो खून एक एक सेल तक पहुँचता है। उस खून में गैनोडर्मा भी मिली हुई है, गैनोडर्मा भी एक एक सेल तक पहुँचती है और वो सेल के अंदर जाके गैनोडर्मा अपना काम करना शुरू करती है। पांच स्टेप्स हैं इसके काम करने के। सबसे पहला इसका असर शुरू होता है स्कैनिंग, ये शरीर में जाके ढूंढना शुरू करती है, स्कैनिंग करने शुरू करती है बॉडी की। आपने स्कैनिंग के बारे में जानते होंगे, किसी का पेट दुखता है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब पेट दर्द होता है, डॉक्टर साहब दवाई लिख के देते हैं पाँच दिन खाओ। मरीज ने पाँच दिन दवाई खाई, वापस आ गया कि डॉक्टर साहब दर्द ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब ने दोबारा चेक करके और एक और दवाई लिख दी, पाँच दिन ये खाओ। फिर पाँच दिन के बाद मरीज वापस आ गया कि डॉक्टर साहब दर्द तो ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई आपकी बीमारी समझ नहीं आ रही, ऐसा करो स्कैन करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड स्कैन, पेट का अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, हम ढूंढें कि बीमारी क्या है। कोई मरीज बेहोश हो जाता है, अस्पताल में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब को बीमारी समझ नहीं आती, तो मरीज के रिश्तेदार को क्या बोलते हैं, स्कैन, सीटी स्कैन, दिमाग का स्कैन करा के लाओ, हम ढूंढें बीमारी क्या है। स्कैन का मतलब ढूंढना, गैनोडर्मा ये शुरू करती है, हमारे शरीर में जाके डॉक्टर का काम करना शुरू करती है, ढूंढना शुरू करती है क्या, वो सेल्स जो डैमेज्ड हैं। क्यों डैमेज है, उनके अंदर हम जो टॉक्सिन खा पी रहे हैं वो जमा हो गए और उसकी वजह से उनका जो बिजली और रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब होगी, उन सेल्स को गैनोडर्मा ढूंढना शुरू कर दिया है। एक दिन से लेकर 30 दिन तक इसका रेंज है काम करने का, स्कैनिंग का। ज्यादा सेल्स खराब होंगी ज्यादा दिन लगेंगे, कम सेल डैमेज होगी जल्दी स्कैनिंग हो जाएगी। एक दिन से लेकर 30 दिन तक, आप दो दिन लगे या चार दिन लगे या 10 या 15 या 20, गैनोडर्मा ने ढूंढ लिया ये सेल खराब है, ये 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 खराब है, गैनोडर्मा ने सारी सेल ढूंढ ली, आइडेंटिफाई कर ली। अब गैनोडर्मा को नहीं पता कि वो सेल लिवर की है या फेफड़े की है या दिल की है या गुर्दे की है या दिमाग की है या चमड़ी की है या आंख की या नाक की, किस ऑर्गन की सेल है ये गैनोडर्मा को नहीं पता। गैनोडर्मा ने तो सिर्फ वो सेल्स ढूंढी हैं जो खराब है और फिर उन सेल के ऊपर गैनोडर्मा काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई, क्लींसिंग। ये लाइट बंद कर दो यार, पीछे स्विच होगा। हाँ, उन सेल की सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन, उन सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उनको सेल से बाहर निकालना शुरू करती है, कोशिकाओं में से बाहर निकालना शुरू करती है और कोशिकाओं में से बाहर निकाल के हमारे शरीर से बाहर निकालना शुरू करती है।
शरीर से बाहर कैसे निकालती है, जो प्राकृतिक रास्ते हैं निकलने के, पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते या बलगम के रास्ते या नाक के नज़ले के रास्ते या आँख में आंसुओं के रास्ते या उल्टी के रास्ते या दस्त के रास्ते या कोई चमड़ी पे फोड़े फुंसी होने के रास्ते, जो नेचुरल रास्ते हैं, उन रास्तों से ये टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है 1 सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक, 1 week to 30 weeks। दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि जितना कचरा अंदर ज़्यादा इकट्ठा हुआ होगा सफाई करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हम घरों में भी तो देखते हैं, घर की रोज़ सफाई करते हैं तो आधे पौने घंटे में पूरा घर साफ हो जाता है, पर अगर 1 साल घर बंद करके कहीं घूमने चले जाएं और 1 साल के बाद आएं तो आधे पौने घंटे में सफाई नहीं होती, 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो गया 1 साल का। सिमिलरली हमारे शरीर में जितना कचरा ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, जितने टॉक्सिन ज़्यादा हैं, टॉक्सिन लोड जितना बॉडी पर ज़्यादा है, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इस दौरान जब डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ तब्दीलियां आती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, नहीं तो जो लोग ये समझते नहीं, गैनोडर्मा खाना शुरू करते हैं, 15 दिन के बाद छोड़ देते हैं, अरे मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी, हुआ था, मैंने 1 महीना खाई, मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। ये बहुत ज़रूरी बात समझने की है, गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसानदायक इफेक्ट नहीं है, नो हार्मफुल इफेक्ट, आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस टुडे। बट थैंक यू, बट ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन जब सेल की सफाई चल रही है तो शरीर में कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन, एलिमेंट रिफ्लेक्शन। जो शरीर के अंदर बीमारी है, जो एलिमेंट है, वो किसी रूप में बाहर आती है, किसी रूप में रिफ्लेक्ट करती है, एलिमेंट रिफ्लेक्शन। कुछ उदाहरण बताता हूं आपको, किसी का लिवर खराब है, जिगर खराब है, जब गैनोडर्मा लिवर की सेल के ऊपर, जिगर की सेल के ऊपर काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई शुरू करती है, आंखें लाल हो जाती हैं। आज कई कई मरीज देख चुका है, अजी क्या दे दिया आपने, मेरी तो देखो आंखें खराब हो गई। शुरू शुरू में मेरे माताजी ने भी मेरे को यह कहा था, जब मैं ठीक हुआ तो मैंने अपने मम्मी डैडी को, बीमारी नहीं, जस्ट एज ए हेल्थ टॉनिक, खिलाना शुरू किया। वो खिलाने के लगभग 20-22 दिन के बाद एक दिन मेरे माताजी ने सुबह सुबह मेरे को उठा दिया 6 बजे, ये देख मेरे को क्या दे दिया, तेरी दवाई ने आंखें खराब कर दी, रिएक्शन कर दिया तेरी दवाई ने, क्या दे दिया मेरे को आंखों के डॉक्टर के पास लेके चला। आज देखा मैंने, आंखें बहुत लाल थी, दे वर फायरी रेड, बहुत लाल थी। अब आंखें लाल क्यों हैं, मुझे पता था गैनोडर्मा के बाद आंखें लाल क्यों होती हैं, समथिंग रॉन्ग विद द लिवर। फिर मैंने अपनी माता जी की पुरानी हिस्ट्री सोची सारी, 30-32 साल की, 30-32 साल से मेरे माता जी को पेट में थोड़ा दर्द रहता था और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती थी, बड़े अल्ट्रासाउंड, बड़े एक्सरे, बड़ी दवाइयाँ, बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो मैंने माता जी को कहा कि डॉक्टर्स आपकी बीमारी नहीं पहचान सके, आज गैनोडर्मा ने पहचान ली, योर लिवर इज नॉट वर्किंग, कोई आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं डालनी, सिर्फ पानी पियो ज़्यादा, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन जल्दी हो जाए। चुप करके बैठ गए और उसके 10-12 दिन के बाद डाली हट गई, और उसके बाद जब तक वो रहे उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम नहीं रही। दिस इज हाउ गैनोडर्मा वर्क्स। किसी को गुर्दे की तकलीफ है, किडनी फेलर है, जब गैनोडर्मा गुर्दे की सेल पे काम करे तो कानों में भारीपन महसूस होता है, लगता है जैसे कान बंद हो रहे हैं। किसी को अधरंग, पैरालिसिस या लकवा है, जब गैनोडर्मा नाड़ियों की सेल के ऊपर, नर्व सेल के ऊपर काम करे तो वो लकवे वाली जगह पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। किसी को दमा की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा फेफड़े की सेल को साफ करती है, उस मरीज को कुछ उल्टियां आती हैं और कुछ दिन के लिए बलगम निकलती है। किसी को दिल की बीमारी है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, नाड़ियां बंद हैं, जब गैनोडर्मा उनको साफ करना शुरू करती है, चेहरे के ऊपर सेक निकलता महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, कईयों का चेहरा लाल भी हो जाता है।
किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको सिर के पिछले हिस्से में ऊपर दर्द होता है। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उनका सिर के पिछले हिस्से नीचे दर्द होता है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है उनको चक्कर महसूस होते हैं। जिनको माइग्रेन, आधा सिर दुखता है, उनका दर्द थोड़ा सा ज्यादा होता है। जिनको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है उनको खून आता है मोशन के साथ। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, नथिंग टू वरी, थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं। और अगर शुगर वालों के किसी के अंदर के ऑर्गन भी डैमेज है, किडनी फेलर है, आंखों की प्रॉब्लम है या कुछ और है, उनके ये कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर या टखने एंकल के ऊपर सूजन भी आती है। ऑल दीज आर पॉजिटिव साइंस, ये सब पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है गैनोडर्मा ने बीमारी पहचान ली और काम करना शुरू कर दिया। लगभग महीना डेढ़ महीना पहले मेरे को एक औरत का फोन आया, लगभग चार महीने पहले उनकी कुछ प्रॉब्लम थी जो अल्ट्रासाउंड में भी शो हो रही थी। गुर्दे में एक 36 mm की एक रसौली थी, सिस्ट एक गुर्दे में, उनकी पोवरी अंडकोश उसमें एक 3 cm एक सिस्ट थी, और उनके यूट्रस में बच्चादानी में एक 8 mm का फाइब्रॉइड था, रसौली। उन्होंने उसके लिए यह गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट शुरू की, और ये शुरू करने के लगभग 2-2.5 महीने के बाद एक दिन मेरे को उनका फोन आया और डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने तो गड़बड़ कर दी। मैं कह जी कौन सी दवाई, मैंने तो कोई दवाई दी नहीं आपको। वो जी वो जो आपके कैप्सूल हैं। मैं जी दवाई नहीं है, वो टॉनिक है। अच्छा जो भी है उसने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या हुआ जी? कल मेरे को बहुत दस्त दस्त लगे शाम को, और आज सुबह खून भी आया साथ में। मैंने रात को भी नहीं खाई, सुबह भी नहीं खाई, खराब कर दिया उसने। मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको कोई पुरानी बवासीर की शिकायत तो नहीं है? वो तो जी 10 साल से है। मैं कहा गैनोडर्मा वही दिखा रही है कि आपके अंदर वो भी है। इसके लिए कुछ नहीं करना, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद फोन नहीं आया। उसके बाद लगभग एक महीने के बाद वो औरत अपना फरवरी के महीने का अल्ट्रासाउंड करा के लाए। पहला सितंबर का था, फरवरी का अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक जो ओवरी में सिस्ट थी वो अब नहीं थी, जो यूट्रस में फाइब्रॉइड था वो अब नहीं था, और गुर्दे में जो 36 mm की सिस्ट थी वो अब 20 mm रह गई थी। अबाउट 3.5 months। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने उस दिन फोन करके मेरे को कहा था आप घबरा गए थे, तो आपने उसके बाद मेरे को बताया नहीं? कहते जी आपने बताया था एक दो दिन में बंद हो जाएगा, दूसरे दिन बंद हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। एंड नाउ शी इज सो हैप्पी। सो गैनोडर्मा दिखाती है कुछ अंदर, आपके पूरा स्कैनिंग करके एक पहले लिस्ट बनाती है कि आपके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, सारी बीमारियां ढूंढ के बताती है, और वो किसी रूप में बताती है एलमेंट रिफ्लेक्शन। इसका जो एलमेंट रिफ्लेक्शन का जो पीरियड है, एवरेज पीरियड 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक है, 1 week to 3 weeks, ये एक एवरेज पीरियड है। किसी को कम भी होता है, किसी को ज्यादा भी होता है, पर एवरेज 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक। ज्यादा खास तौर पे उनको होता है जिन लोगों ने स्टीरॉयड बहुत खाए होते हैं, स्टीरॉयड्स, वाइसोलोन, डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन। कोई आप लोग जानते हैं स्टीरॉयड क्या होता है? बहुत बहुत हार्मफुल चीज़ होती है, बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है, और आज की दुनिया में लोगों ने बहुत खाए होते हैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं खाते, अनजाने में। कैसे? एक आदमी को जोड़ दुखते हैं 20 साल से, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जोड़ दुखते हैं 20 साल से, हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर अस्पताल को दिखा दिया, और उन्होंने कहा जी आपका ये गठिया है, ठीक नहीं हो सकता। बैठ के घर में एक अच्छा दोस्त उनका आया, अरे मेरे को पता लगा फलां जगह के पे एक वैद है, देसी पुड़ियां देता है, उससे बहुत लोग ठीक हो गए। तो आदमी जाता उनके साथ, वो वैद जी देख के, ये लो जी महीने की पुड़ियां ले जाओ, वो दो दिन पुड़ियां खाते हैं, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, वैद जी की बल्ले बल्ले हो जाती है, ढिंडोरा पिट जा रहे, बहुत बढ़िया वैद है। 30 दिन वो पुड़ियां खाई, बिल्कुल ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद छोड़ दी पुड़ियां, और 72 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया। फिर वापस गए वैद्य के पास, उन्होंने फिर महीने की पुड़ियां दी, महीना ठीक रहे, जब छोड़ी 3 दिन के बाद फिर दर्द बढ़ गया, फिर पुड़ियां ली, और वो पुड़ियां फिर चलती रही, और अंत में क्या हुआ, वो बात होती है कि मैं कंबल छोड़ना चाहता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, वो शरीर को लग जाती हैं, उनमें स्टीरॉयड्स होते हैं, शरीर को लग जाए उसके बिना फिर शरीर चलता नहीं। और ये जो स्टीरॉयड हैं ये
सफेद मोतिया पैदा करते हैं, कैटरेक्ट, पेट में अल्सर पैदा करते हैं और गुर्दे फेल हो रहे हैं। जब से अब गैनोडर्मा का काम शुरू किया, मेरे पास किडनी फेलियर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं और मैं समझता हूँ, और उनकी मैं हिस्ट्री में गया तो मुझे लगा उनसे ज़्यादातर लोगों ने कुछ देसी पुड़ियाँ खाई हुई थी, गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो जिन्होंने ये स्टीरॉयड खाए होते हैं उनका एलमेंट रिफ्लेक्शन पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर ठीक हो जाते हैं। हर एक को शुरू में मैं यही राय देता हूँ, किसी को गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट जब शुरू करें तो जिससे भी आप ले रहे हैं उससे ये पूछिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, मेरे को क्या निशानी आएंगी, सो दैट आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। कई लोग मेरे को ये भी कहते हैं जी उनको बता दिया पहले कि गठिया है आपको, दर्द बढ़ेगा तो वो तो लेगा ही नहीं हमसे। तो मैंने कहा वो बेटर है, बता के आपने बता दिया कि दर्द बढ़ेगा ये अच्छी निशानी है, वो कहे मैंने नहीं लेनी वो बेटर है, इसकी बजाय कि आप उसको नहीं बताओ 15-20 दिन का दर्द बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आपको भी ब्लेम करे और गैनोडर्मा को भी ब्लेम करे कि इसने तो खराब कर दिया। इट इज बेटर कि पहले से बताओ। तो मैं हर एक को बताता हूँ। एक औरत आई थी मेरे पास लगभग 1.5 साल पहले, गठिया था 5-6 साल से, देसी पुड़ियाँ खा रही थी बहुत देर से, 2-3 साल से देसी पुड़ियाँ चल रही थी। तो मैंने उनको बोला था आपका ये जो एलमेंट रिफ्लेक्शन है दर्द बढ़ेगा, बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा, आप इसको टॉलरेट करेंगे तब शुरू करिए। वो जब औरत आई थी चल के आई थी, लाठी लेके चल रही थी, मुश्किल से चल रही थी, साथ में 2 आदमी उनके रिश्तेदार साइड में चल रहे थे कि अगर कहीं पैर फिसल जाए तो उनको संभाल लें, चल के आई थी। बता दिया एलमेंट रिफ्लेक्शन, ठीक है जी कोई बात नहीं मैं सहूंगी। 22-23 दिन के बाद वो औरत दोबारा से वापस आई, इस बार वो 2 आदमी उनको उठा के लाए थे, घबरा गए ना सुन के, उठा के लाए थे, पिछली बार तो चल के आई थी अब उठा के लाए थे। नॉर्मली ऐसा पेशेंट डॉक्टर को आके क्या बोलेगा, और डॉक्टर साहब पहले तो मैं चल लेती थी आपने ये कह दे दिया तो मैं चलने से रहेगी, नॉर्मली पेशेंट ये कहेगा। पर उसको बताया हुआ था, जब मेरे एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाया तो औरत पता क्या बोलती है, कहते हैं डॉक्टर साहब इसका मतलब इसका असर शुरू हो गया, क्योंकि पता था उनको असर शुरू हो गया। मैंने उनको एक बात बोली, आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके 1.5 महीने के बाद वो कैनेडा की फ्लाइट लेके गई, और आप कैनेडा से उनको देख के और उनको कैनेडा में चलते फिरते देख के कुछ लोग पटियाला पहुंचे, उनको चलते फिरते देख के, शी इज ए मोबाइल मॉडल, शी इज ए वॉकिंग पब्लिसिटी फॉर गैनोडर्मा। DXN को कोई टीवी के ऊपर इश्तेहार देने की जरूरत नहीं पड़ती, अखबारों में इश्तेहार देने की जरूरत नहीं पड़ती, चलते फिरते लोग ही एडवर्टाइजमेंट है। सॉरी ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, एलमेंट रिफ्लेक्शन, इससे घबराना नहीं है, इट्स ए गुड साइन, गैनोडर्मा हैज स्टार्टेड वर्किंग। इस दौरान जैसे मैंने जोड़ों के दर्द बताया, अगर दर्द ज्यादा हो गया कोई पेन किलर खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसको कम करने के लिए कोई पेन किलर ले सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है, लेवल नॉर्मली तो 10-15% बढ़ता है, पर अगर किसी का एवरेज 1-2% लोगों का, किसी का ज्यादा भी बढ़ गया तो अगर इंसुलिन के 20 यूनिट लग रहे हैं कुछ दिनों के लिए 25 कर दें, नो प्रॉब्लम। दमे की प्रॉब्लम है, जब बलगम निकलेगी अगर कहीं सांस की प्रॉब्लम ज्यादा आ जाए तो डेरिफ्रिन का टीका लगवाना पड़े लगवा लें, नो प्रॉब्लम। पंप लेना पड़े ले लें, नो प्रॉब्लम, बट RGGL शुड बी कंटिन्यूड क्योंकि ये काम कर रही है, ये बंद नहीं करी। टेम्परेरी मेजर कोई ले सकते हैं बट इसको काम करने दीजिए, इट इज वर्किंग। जब सारी सेल साफ हो जाती हैं, एलमेंट रिफ्लेक्शन खत्म हो जाते हैं, तीसरा काम शुरू होता है, उसके बाद तीसरा काम शुरू होता है गैनोडर्मा का रेगुलेशन। सेल के अंदर जो बिजली की क्रिया और जो रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब्ड है उसको गैनोडर्मा बैलेंस करती है, जो सेल ओवर एक्टिविटी कर रही हैं उनको कम करती है, जो अंडर एक्टिविटी कर रही हैं उनको एक्टिवेट करती है, इट बैलेंसेस द बॉडी सेल्स, बायो इलेक्ट्रिक एंड बायोकेमिकल फंक्शन। और जब उनका फंक्शन बैलेंस हो जाता है जो बॉडी की सेल्स हैं वो नॉर्मल काम करने लग जाती हैं, जब सेल नॉर्मल काम करने लग जाती हैं, स्कैनिंग होके सेल ढूंढ ली गई, उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है हार्मफुल मटेरियल्स केमिकल्स वो साफ कर दिए गए, सेल की फंक्शनिंग बैलेंस हो गई, सेल नॉर्मल हो गई, नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दिया, तो जिस ऑर्गन की वो सेल हैं उस ऑर्गन की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो लिवर की सेल हैं, चाहे वो दिल की सेल हैं,
चाहे गुर्दे की हैं, चाहे पेट की हैं, चाहे आंख की हैं, चाहे चमड़ी की हैं, उस अंग की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। चौथा काम शुरू होता है बिल्डिंग फेज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज सेल्स। जब सेल ने नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया तो सेल्फ रिपेयर स्टार्ट होती है, सेल अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद रीजनरेशन, जो सेल्स हमारे शरीर में सोई पड़ी हैं, सुस्त पड़ी हैं, नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, उनको गैनोडोमा एक्टिवेट करती है, रीजनरेट करती है, पुनरुत्पत्ति करती है। और ये जब पांच सिस्टम, पांच प्रोसेस पूरी हो जाती हैं, 100% हमारे शरीर की सेल नॉर्मल हो जाती हैं, जो नेचुरल वे में काम करने लग जाती हैं। और जब 100% नॉर्मल हो जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, तो हमारे शरीर का सोया हुआ डॉक्टर जाग पड़ता है। इम्यून सिस्टम बिकम्स फंक्शनल, फुली फंक्शनल। और जब वो इम्यून सिस्टम फंक्शनल होता है, सोया हुआ डॉक्टर जाग जाता है और वो अंदर का डॉक्टर बीमारियां ठीक करता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। गैनोडर्मा किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है, ये तो हमारे अंदर के सोए हुए डॉक्टर को जगाने का एक टॉनिक है। इट इज ए हेल्थ टॉनिक, नॉट ए मेडिसिन। हमारे शरीर के बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करती है, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। हर चीज का एक रेंज है, स्कैनिंग एक दिन से लेकर 30 दिन तक, कितना टाइम लगेगा डिपेंड करेगा कितनी सेल खराब है। डिटॉक्सिफिकेशन 1 सप्ताह से 30 सप्ताह, टॉक्सिन लोड कितना बॉडी में। बैलेंस करने को 1 महीने से 12 महीने, डिपेंड करेगा बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन 6 महीने से 24 महीने, पुनर्निर्माण 6 महीने से 24 महीने। आई गिव यू ए लेमैन्स एग्जांपल, प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड। बारिश आती है, जब कोई कच्ची दीवार है, दीवार गिर जाती है, अगर दीवार का सिर्फ 2 फुट का हिस्सा गिरा तो उसको दोबारा बनाने में शायद 2-3 घंटे लगेंगे, पर अगर बारिश ज्यादा पूरी दीवार गिर गई तो बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। पुनर्निर्माण ज्यादा टाइम लगेगा, 6 महीने से 24 महीने तक, डिपेंड करता है रिकंस्ट्रक्शन कितनी करने की जरूरत है, पुनर्निर्माण कितना करने की जरूरत है, एंड रीजनरेशन 1 साल से 3 साल तक, कि हमारा सिस्टम शरीर का कितना बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस करने में गैनोडर्मा को कितना टाइम लगेगा। किसी पेशेंट के लिए गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट का कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि आपको दमा है आपको 6 महीने लगेंगे, आपको हार्ट प्रॉब्लम है आपको 8 महीने लगेंगे, आपको शुगर है आपको साल लगेगा, किसी को नहीं बता सकते। हर एक बॉडी अलग अलग तरीके से काम करता है। एक दमे का मरीज 18 दिन में ठीक हो गया था, 22 साल से दमा था, 18 दिन में पूरा ठीक हो गया था, मैं हैरान हो गया देख के। और एक और दमे के पेशेंट आई थी मेरे पास, 4 साल से दमा था, उनको 7 महीने लग गए थे। बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हर चीज के प्रति हमारे शरीर का रिस्पॉन्स क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लगता है। एवरेज जो पीरियड है ज्यादातर बीमारियों का, आप 3-3.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, 6-7 हजार जो पेशेंट देख चुका हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है ज्यादातर बीमारियों के लिए 6 महीने से 12 महीने का टाइम लगता है, ज्यादातर 60-70% 6 महीने से 12 महीने में ठीक हो जाती है। किसी को ज्यादा भी लगता है, किसी को कम भी लगता है। ये मैं आपको एक इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है, आई विल जस्ट टेल यू। ये डीएक्सएन की मैगजीन आती है, हर आदमी जब डीएक्सएन को ज्वाइन करता है उसका फॉर्म भरा जाता है, एक उसको बैग मिलता है, बैग के अंदर एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल फॉर्म। डीएक्सएन इज सो कॉन्फिडेंट अपनी प्रोडक्ट के बारे में, इनको यकीन है ठीक हो जाएंगे, तो वो टेस्टिमोनियल फॉर्म है कि जब आप ठीक हो जाएं आप ये फॉर्म भर के भेजिएगा कि आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है, एड्रेस क्या है, आपको क्या तकलीफ थी, कब गैनोडर्मा खानी शुरू की, क्या डोज खाई, आप कैसे हैं। तो वो लोग अपने लेटर भेजते हैं, वो इस मैगजीन में पब्लिश होता है, वो रिपोर्ट यहाँ पब्लिश होती है। ये एक दुबई की रिपोर्ट है, ये औरत को 30 साल से शुगर की बीमारी थी, इंसुलिन के टीके लगते थे, 7वें महीने में जाके शुगर का लेवल कम आना शुरू हुआ और 16 महीने के बाद शुगर ठीक हो गई, इंसुलिन की टीके लगने बंद हो गए। अगर कहीं इस औरत ने 6 महीने में फैसला कर लिया होता कि मेरे को तो 6 महीने हो गए ये कैप्सूल खाते हुए, मेरी तो शुगर नहीं ठीक हो रही, मैंने नहीं खानी, आज भी इंसुलिन के टीके लगते होते, 16 महीने लगे। इनकी एक बेटी है, उनको 20 साल से शुगर थी, उन्होंने भी ये खाना शुरू किया, 5 महीने में उनकी सब दवाइयां छूट गई, 5 महीने में शुगर ठीक हो गई। एक को 16 महीने लगे, एक को 5 महीने, दोनों ठीक हो गए, पर यह फर्क क्यों, किसका सिस्टम कितना बिगड़ा हुआ था, कितनी रिपेयर की जरूरत थी बॉडी में,
अलग अलग टाइम लगता है हर पेशेंट को. आज तो जब भी मेरे को कोई पेशेंट पूछता है कि जी मेरे को फलां बीमारी है, मेरे को गैनोडर्मा कितनी देर खानी पड़ेगी, मेरा एक ही जवाब होता है, जब तक ठीक नहीं हो जाते. चाहे 4 महीने लगते हैं, चाहे 6 महीने लगते हैं, चाहे 2 साल लगते हैं, चाहे 4 साल लगते हैं, जब सिस्टम ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. हैव इट विद कॉन्फिडेंस. बट दिस आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस, गैनोडर्मा वर्क्स. इट वर्क्स वंडरफुली. बहुत कुछ देख चुका हूं, ऐसे लोगों को देख चुका हूं जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी. जलंधर के पास एक गांव है, वहां से दिसंबर में एक पेशेंट का बेटा आया मेरे पास 11 दिसंबर को अपनी माताजी की रिपोर्ट लेके. उनको 10 दिसंबर को उनको माताजी को ओसवाल कैंसर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, यह कह के कि घर ले जाओ सेवा करो, कुछ दिनों के मेहमान हैं. क्या स्थिति थी उनकी? उनको ओवरी का कैंसर था, अंडकोश, 1990 में हुआ था. ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी, बिजली लग गई, ठीक हो गए. 12-12.5 साल बिल्कुल ठीक गुजर गए, नो प्रॉब्लम्स. पर 2003 में उस कैंसर की जड़ें फिर बढ़ने लगी, मेटास्टेसिस. 12 साल के बाद जड़ें बढ़ने लगी, अंतरी में आ गया, लिवर में आ गया, खाने की नली में आ गया, और उनके खाने की नली कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गई. उस वाला अस्पताल में 2 महीने दाखिल रहे, कीमोथेरेपी हो गई, बिजलियाँ लग गई. वो जो ट्यूब होती है रबड़ की खाना देने के लिए, सिरिंज से जो दूध दूध पिलाते हैं, वो ट्यूब लगा दी गई. और 10 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया, घर ले जाओ सेवा करो. वो पूछता है जी आपकी गैनोडर्मा कुछ करेगी? मैंने कहा जी इनका तो बहुत बड़ा हुआ है, आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है. पर आप फिर भी उनको दो कि एक टॉनिक है, उनके पास जितने दिन बचे हैं वो ठीक ठाक गुजर जाए, दर्द थोड़ी कम हो जाए. कैंसर के पेशेंट का जो अंत होता है बहुत दर्दनाक होता है, कि रोज के 3-3, 4-4 टीके लगाने पड़ते हैं, शायद वो कम हो जाए. शुरू किया उन्होंने, लगभग 1.25 महीने के बाद. उससे पहले एक बार जलंधर में गया था, वो औरत दिखाने भी आई थी, मिली थी मेरे को. बिल्कुल स्केलेटन थी, ढांचा हड्डियों का. ट्यूब लगी, उसके थ्रू सिरिंज के रास्ते दूध वूध पीती थी. अगर पानी का एक आधा चम्मच भी लेने की कोशिश करती थी मुंह से बाहर आ जाता था. 1-1.5 महीने के बाद वो पटियाले आई औरत, एक और कैंसर के पेशेंट को साथ लेके, कि ये आदमी 15 दिन से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कि जहां से आपने दवाई ली हमें भी लेके चलो. क्यों? क्योंकि उस औरत ने अब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था, लिक्विड्स, कस्टर्ड, दलिया, ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी थी. तो मेरे से पूछने लगी अब ये नाली निकलवा दें? मैंने कहा भी नहीं, जब तक आप कुछ सॉलिड्स नहीं खाने लगते तब तक नहीं. एंड आई एडवाइज देम कि रोटी लेके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में भिगो के एक एक दो दो चम्मच खाने की कोशिश करो. जनवरी की बात आई, 11 फरवरी को उनके बेटे का फोन आया, सर कल मम्मी ने साग और रोटी खाई. इंसिडेंटली मुझे 13 फरवरी को जलंधर जाना था एक शादी अटेंड करने. आई फेल्ट सो हैप्पी. मैंने उसको कहा अपने गांव का रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे गांव में आना चाहता हूं. और उनके गांव में गया, उस औरत की एक सिस्टर कनाडा से आई थी लास्ट टाइम उनको मिलने के लिए, उनकी एक ननद न्यूयॉर्क से आई थी उनको लास्ट टाइम मिलने के लिए, और अब वो देख रहे हैं अब तो गुरपाल कौर शहर में घूम रही हैं. उन्होंने उस गुरुद्वारे में एक अखंड पाठ कराया 27 फरवरी को, बुलाया गया मेरे को, और जो रिस्पेक्ट मिली वो पहले 30 साल के मेडिकल करियर में नहीं मिली थी. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्विस की वजह से. वही आदमी हूँ, वही डॉक्टर हूँ जो आज से 3-3.5 साल पहले था, वही MBBS डॉक्टर. फर्क क्या है? आज ये गैनोडर्मा की साथ में जुड़ गई और इसको अच्छी तरह समझा, लोगों को बताया. वो मैंने सिर्फ वही किया और कुछ नहीं किया. किसी के घर में दरवाजा खटका के ये देने नहीं गया, भाई तुमको शुगर है ये लो, तुमके गुर्दे फेल हैं ये लो, किसी को देने नहीं गया. इन्फॉर्मेशन देता रहा, जिसको अच्छा लगा अपनाया, विश्वास किया अपनाया, और कई लोगों की जिंदगी बदलती चली गई. जलंधर में एक और आदमी है, उनको सितंबर 2002 में ओसवाल कैंसर अस्पताल ने बोला था 2-3 महीने के मेहमान, और आज 2.5 साल हो चुके हैं वो कैप्टन राजेंद्र सिंह एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, नो कैंसर नाउ. रिपीटेडली ओसवाल अस्पताल उनको रिपोर्ट दे चुका है आपके अंदर कैंसर नहीं है, एंड ही इज लिविंग ए हेल्दी लाइफ.
दिसंबर में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल से एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया, पटियाला में रहते हैं वो, ब्रेन ट्यूमर। वो आदमी सेमी कॉन्शियस था, मिडिल एज आदमी, अराउंड 60-62 साल, सेमी कॉन्शियस, बिस्तर पे पड़े हैं, कुछ खाना पीना नहीं, चम्मच से थोड़ा बहुत खिला दिया, जो पेशाब वगैरह सब बिस्तर के ऊपर, कोई होश नहीं। उनके बेटों को बताया भगवान का नाम लेके ट्राई करो, और आज वो उनके वो आदमी सुबह शाम मंदिर जाते हैं। राजीव गांधी कैंसर अस्पताल बोल रहा था कुछ दिनों के मेहमान हैं, अभी 3.5 महीने चुके हैं, वो मंदिर जाते हैं और घर के सारे काम करते हैं। दिस इज व्हाट गैनोडर्मा इज डूइंग, यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट, यू गॉट टू अंडरस्टैंड गैनोडर्मा। जब ये सारा फेज पूरा हो जाएगा, बीमारियां अंदर अपने आप ठीक हो जाएंगी। यू डोंट हैव टू बॉदर कि मेरे को फलानी बीमारी है, गैनोडर्मा को काम करने दो, ये ढूंढेगी सब कुछ जाके, इट विल क्लियर एवरीथिंग। ये जो मैं आपको एलमेंट रिफ्लेक्शन बता रहा था, लिवर की प्रॉब्लम है तो लाल आंखें होती हैं, गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है तो ब्लॉक टीयर होते हैं, फेफड़े की कोई प्रॉब्लम है तो बलगम आती है या उल्टी आती है, कोई ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी नमनेस, जैसे टांगे सोती सोई हुई महसूस होती है। अगर एलमेंट रिफ्लेक्शन अगर ज्यादा हो जाए, अगर तंग करे, डोज थोड़ी देर के लिए कम कर दें, या उसके लिए कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लें, बट कंटिन्यू गैनोडर्मा, लेट इट डू इट्स जॉब। गैनोडर्मा डज नॉट क्योर एनी डिजीज डायरेक्टली, बट इट हेल्प्स द बॉडी टू हैंडल इट। गैनोडर्मा इज हेल्थ स्पेसिफिक एंड नॉट डिजीज और सिम्टम स्पेसिफिक। जब गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट शुरू करनी है किसी भी बीमारी के लिए, मरीज जो भी दवाइयां खा रहा है, चाहे एलोपैथिक, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, वो शुरू में साथ में चलेंगी, वो एकदम से बंद नहीं करनी। जब स्कैनिंग हो जाएगी, जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, जब सेल्स बैलेंस हो जाएंगी, बीमारी की जड़ ठीक हो जाएगी, तब बीमारी ठीक होने लगेगी, उस समय वो दवाइयां बंद होनी शुरू होंगी। आफ्टर दिस फेज, 1 महीने में बंद होती हैं, 4 महीने में बंद होती हैं, साल में बंद होती हैं, 1.5 साल में बंद होती हैं, वो किसी को नहीं बता सकते। जब सिस्टम ठीक होगा तब बंद होगी, शुरू में वो साथ में चलेंगी। उन दवाइयों के साथ गैनोडर्मा की कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक फूड सप्लीमेंट है, दवाई नहीं है, इट इज ए हेल्थ टॉनिक। अब इसकी आपको डोज बताऊं मैं, डोज तो जनरली दवाइयों की होती है, गैनो तो दवाई नहीं है तो इसकी डोज नहीं होती, बट फिर भी हम लोगों को डोज बताते हैं। क्यों? कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम कम डिस्टर्ब्ड है तो कम डोज पे आराम आ जाएगा, अगर ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम लगेगा। इम्यून सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है इसको मेजर करने का कोई दुनिया में आज तक पैमाना नहीं बना, हमको नहीं पता कि किसका सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है। सो हर एक को हम एक कम से कम डोज से स्टार्ट करते हैं, एक कैप्सूल आरजी और एक कैप्सूल जीएल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एक पेयर, वन पेयर, एक एक कैप्सूल दोनों शीशे में से, एक आरजी एक जीएल, एक पेयर, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, सुबह दोपहर शाम, पहले हफ्ते एक पेयर सुबह के टाइम, दोपहर को नहीं रात को नहीं, एक पेयर सुबह के टाइम, प्रेफरेबली खाना खाने से पहले, खाना खाने से आधा घंटा पौना घंटा पहले प्रेफरेबली। पर अगर किसी को पेट में गैस की प्रॉब्लम है, पेट में तेजाब बनता है, पेट में अल्सर है, दमा है या मिर्गी है, उन्होंने खाली पेट नहीं लेना, उन्होंने खाना खाने के इमीडिएटली बाद, एकदम बाद, पहले हफ्ते एक पेयर डेली रोजाना, दूसरे हफ्ते में एक पेयर सुबह एक पेयर रात को, तीसरे हफ्ते में एक पेयर सुबह एक दोपहर एक रात को, चौथे हफ्ते में दो पेयर सुबह दो रात को, पांचवें हफ्ते में दो पेयर सुबह दो दोपहर दो रात को, इस तरह हफ्ते हफ्ते में एक एक या दो दो पेयर बढ़ाते हैं। जब देखने वाले जहां तक देखते हैं
अपने दिमाग का कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर देते हैं। पांचवें हफ्ते में जाके 6 पेयर खाने पड़ेंगे, 12 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। घबरा जाते लोग ये सोच के, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हर एक को 12 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ डोज बढ़ाने का तरीका है। कब तक बढ़ानी है? जब तक उस मरीज को जो भी प्रॉब्लम है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और जब कैसे पता लगेगा मरीज को कि उसके ऊपर इसने असर करना शुरू कर दिया? जब उस मरीज के अंदर उस बीमारी के मुताबिक जो एलमेंट रिफ्लेक्शंस हैं वो आ जाएंगे। जिस डोज पे अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे आंखें लाल हो जाएंगी, अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे शुगर का लेवल राइज करेगा, अगर गुर्दे की प्रॉब्लम है तो जिस डोज पे कानों में भारीपन आएगा, वो डोज उस पेशेंट के लिए सही डोज है। कई लोगों में ये एलमेंट रिफ्लेक्शन पहले हफ्ते की डोज में आ गए, 1 पेयर की डोज पे, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी पे कंटिन्यू करते हैं, किसी को 2 पे, किसी को 3 पे। अपने बॉडी के मुताबिक हर पेशेंट खुद डोज एडजस्ट करेगा, किसी के लिए कोई फिक्स डोज नहीं है। हर अपनी बॉडी के मुताबिक डोज एडजस्ट करेगा, और जो भी डोज एडजस्ट होती है तब तक खाते रहना जब तक ठीक नहीं होती। अब कई लोग ये सोच के कि जी 8 महीने लगेंगे, कई बार हेजिटेट करते हैं क्योंकि आज का पेशेंट बहुत इम्पेशेंट है। आज का तो मरीज है वो सोचता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है आज डॉक्टर ने दवाई लिखी कल तक आराम आना चाहिए, नहीं आया तो दूसरे दिन आज आदमी डॉक्टर चेंज कर लेता है, दूसरे दिन किसी दूसरे डॉक्टर की दवाई, आराम नहीं आया तो तीसरे दिन तीसरा डॉक्टर। आज का पेशेंट इतना इम्पेशेंट हो चुका है। पर मैं तो जब गैनोडोमा के बारे में बताता हूं मैं हर एक को यही बात बोलता हूं, यू हैव टू बी पेशेंट। मैं तो उनको ये बोलता हूं, यू आर ए पेशेंट, रिमेन पेशेंट फॉर सम टाइम, टेक गैनोडोमा पेशेंटली एंड आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट रिमेन ए पेशेंट। फेथ के साथ लीजिए, ठीक हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीके से डोज स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, एक तरह के पेशेंट होते हैं उनको हम ये डोज स्टार्ट नहीं करते। कैसे पेशेंट? जैसे वो जलंधर वाले कैंसर अस्पताल से छुट्टी हुई थी कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, ऐसे पेशेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि पहले हफ्ते 1 पेयर लो, दूसरे हफ्ते 2 पेयर लो, तीसरे हफ्ते 3 पेयर लो, पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं है, पेशेंट इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ऐसे पेशेंट को हम एक हैवी डोज देके एक चांस लेते हैं। ये नहीं बोलते अरे वो ओसाल वाले या राजीव गांधी वाले वो क्या करें, उनको क्या पता, आप हमारी ये खाओ ठीक हो जाओगे। नो, आई जस्ट टेल देम टेक ए चांस ताकि जितना टाइम बचा है वो ठीक ठाक गुजर जाए। ऐसे पेशेंट को हम चांस लेते हैं 30 RG और 30 GL, 30 pairs, 60 कैप्सूल की डोज स्टार्ट करते हैं ऐसे टर्मिनल कैंसर पेशेंट को। 30 कैप्सूल ये, 30 कैप्सूल ये। अब वो कैंसर का पेशेंट ऐसा, उसके जो रिश्तेदार, मैं बड़े लोगों को फेस कर चुका हूं, जब बताता था ये लेनी है, डॉक्टर साहब 60 कैप्सूल, मैं कहता हाँ जी, आई एम श्योर, मेरी बातें तो सुन के अच्छा जी चले जाते, बट आई एम श्योर मेरे क्लिनिक के बाहर जाके वो बातें करते होंगे कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना, कि ये मरीज के अंदर तो कोई जान नहीं है, एक तो हड्डी का ढांचा रह गया बिजने लगने के बाद, इससे कोई रोटी नहीं खाई जाती, भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता है तो उल्टी आ जाती है, ये 60 कैप्सूल कहां से खाएगा, नहीं खा सकता। ऐसा पेशेंट 60 कैप्सूल नहीं खा सकता, वो खिलाने का एक खास तरीका है। ये जो 60 कैप्सूल है इनका हम पाउडर खोल लेते हैं, पाउडर निकाल लेते हैं 60 कैप्सूल का, 30 RG 30 GL, और एक ऐसी मिनरल वाटर की बोतल, उसमें 1/2 लीटर पानी, थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये लेके ये जो 60 कैप्सूल का पाउडर है ये उसके अंदर डाल देते हैं, ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके उस बोतल को जोर जोर से ऐसे शेक करते हैं अप एंड डाउन डायरेक्शन, कम से कम 100 दफा, कम से कम 100 बार, इसको बोलते हैं पोटेंटाइज करना, ये एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल है, पोटेंटाइज करना, और 100 दफा शेक करके जो 1/2 लीटर सस्पेंशन तैयार हो गई वो उस कैंसर के मरीज को हर 5-10 मिनट में एक एक 2-2 चम्मच करके पिला देते हैं, और 1.5-2 घंटे में ये पूरा खत्म कर देते हैं। इसको बोलते हैं डाइट थेरेपी,
डाइट थेरेपी। हर रोज उस कैंसर के पेशेंट को हम ये डाइट थेरेपी देते हैं 60 कैप्सूल की डोज, महीना डेढ़ महीना। और जिस पेशेंट को कैंसर अस्पताल ने बोला कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनका महीना डेढ़ महीना गुजर गया, कंडीशन थोड़ी स्टेबल होगी, बेटर होगी, उसके बाद डोज रिड्यूस करते हैं, फिर कम करते हैं, पर शुरू इस तरीके से करते हैं। और वो जो मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह की और वो उनकी बात कर रहा हूँ जलंधर वालों की, ये डोज उनको स्टार्ट करी थी ये कह के भगवान का नाम लो, जस्ट टेक ए चांस कि जितना टाइम बचा ठीक ठाक गुजर जाए। और आज इस डोज से बहुत सारे लोग कैंसर फ्री हो चुके हैं। लेकिन कोई झूठा दावा नहीं करता मैं, ना मैं ना डीएक्सएन कंपनी, कि इससे हर कैंसर ठीक हो गया। नहीं, हर कोई नहीं ठीक हुआ, कुछ ऐसे भी थे टर्मिनल पेशेंट जो नहीं बचे, लेकिन उसके बावजूद उनके रिश्तेदारों ने आके थैंक्स किया कि जे जितना टाइम वो जिए ठीक ठाक जिए, जो पहले दर्द होती थी अब वो दर्द नहीं होती थी, टीका नहीं लगाना पड़ता था, पहले खाना नहीं खा सकते थे अब खाना खाते थे, चलते फिरते रहे, गैनोडर्मा ने बहुत अच्छा काम किया। ये डाइट थेरेपी ऐसे कैंसर के लोगों के लिए। एक और चीज होती है जिसमें डाइट थेरेपी काम करती है, कोई इंसान बहुत हेल्दी है, 130 किलो को हेल्दी कहेंगे क्या? लोग कहते हैं जी वो मेरा मेरी फलानी एक मामी है वो बहुत हेल्दी है, हेल्दी नहीं कहेंगे इसको, बहुत अनहेल्दी है, 125-30 किलो वजन है। तो जो लोग जल्दी वेट लूज करना चाहते हैं उनको भी डाइट थेरेपी रिकमेंड करते हैं। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है, ये मलेशिया की रिपोर्ट है। ये इस आदमी को देखिए, इसका पेट देखिए, इनका वजन था 86.5 किलो, 86.5, और इनकी वेस्ट थी 42 इंचेस। इन्होंने ये डाइट थेरेपी शुरू की और साथ में बोलते हैं कि मैंने दोपहर को हल्का खाना खाया, सुबह शाम सिर्फ फल फ्रूट खाए, पाइन एप्पल, पियर एप्पल, गुआवा और वाटरमेलन, सिर्फ फल फ्रूट सुबह शाम, और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज की। 21 दिन के बाद 13.5 किलो वजन घटा इन 21 डेज, और कमर 42 से 37 इंच। डाइट थेरेपी एक और किस्म के लोगों के लिए भी, कोई गठिए का पेशेंट जिसको ये पता लगेगा दर्द बढ़ेगा, अरे नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा कि दर्द बढ़ जाएगा, उनको डाइट थेरेपी शुरू कराते हैं क्योंकि इसमें एलमेंट रिफ्लेक्शन कम आते हैं या नहीं आते, ऐसे लोगों को भी डाइट थेरेपी शुरू करते हैं। डेढ़ दो घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं, जब हम इससे ऐसे हिलाते हैं ना इसमें एक बड़ी डायनेमिक पावर पैदा होती है। ये जो क्या होता है, पानी के अंदर कुछ जो पानी के कण होते हैं इनको बोलते हैं MC, मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स। मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स, जो पानी आम पानी का जो साइज होता है मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स का, 13 से 15 MC पर क्यूबिक मिलीलीटर। जब ये करते हैं वो 13 से 15 के बजाय 2-3 हो जाता है, उनकी एब्जॉर्प्शन सेल में बढ़ जाती है और 2 घंटे के अंदर वो डायनेमिक पावर रहती है उसका खत्म हो जाती है। सपोजिंग कोई पेशेंट है उसने अभी आधा पिया, नहीं पिया गया 2 घंटे में, तो 2 घंटे के बाद इसको फिर से ला लो, फिर 100 बार फिर ला के फिर से वो पैदा करके फिर 1.5-2 घंटे में खत्म कर दो, ऐसा भी कर सकते लाइक दैट। 1-1.5 महीना डेली, एवरी डे। तो इसको कितना डोज, ये तो हैवी है ना, इसके लिए ये इतना ही डोज देना चाहिए किसके लिए? जो एक्सेस वेट है, 86 kg है, और उनको जोड़ों के भी दर्द है, उनको नॉर्मल 1-2-3 से शुरू कराओ, वो पेयर बढ़ाएं, हाँ उसी से बढ़ाओ। एक पटियाला में एक औरत है, उनको गठिया है, उनको एक ही पेयर स्टार्ट किया था, उन्होंने एक पेयर बढ़ाया ही नहीं, 2 महीने तक एक ही पेयर रहते थे, 2 महीने में उन्होंने 8 किलो वजन लूज कर दिया सिर्फ एक पेयर से। अब उनका गठिया भी ठीक है और अब उनका वो भी ठीक है। हाँ जी, क्या होता है पैर ना बढ़ाया जाए, एक ही डोज पे चलता रहे। हाँ हाँ, ये भाई साहब ने पूछा कि सपोजिंग हम पैर नहीं बढ़ाए, सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, मैंने देख भी लिया, आप वो
पता है मेरे को क्या कि सपोजिंग डोज नहीं बढ़ाए जैसे वो एक दो तीन की बोलते हैं, अगर आदमी एक ही पेयर लेता रहे तो क्या असर, एक ही पेयर कह रहे ना सपोज असर होगा। वैसे तो एक पेयर की डोज हम उनको बताते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर कोई बीमारी है तो हमको कम से कम दो या तीन पेयर की डोज तो चाहिए। सपोजिंग वो नहीं भी बढ़ाता, एक ही पेयर लेता रहता है, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो तीन की पेयर से मान लो आठ महीने में ठीक होती है, एक लेता है तो दो साल लग जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। यस या फॉर गेनिंग सेम वे, सेम वे गो अप टू थ्री पेयर्स। हाँ जी यस It's a very valid question. It's a very valid question, and it's this question must be answered. Must be answered. Otherwise, we don't want to keep people in the dark. We are laymen. Yeah, we don't want to keep the people in the dark. Okay. I'll just tell you. Dr. Lim approached the US government to open DXN in USA, but उन्होंने refuse कर दिया। US government ने refuse कर दिया क्योंकि वो हर खाने की चीज के बारे में, दवाई के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। द स्टैंडर्ड्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। इट वॉज हैंडेड ओवर टू FDA। FDA स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। एक साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद DXN वॉज ओपन्ड इन कैलिफोर्निया आफ्टर FDA अप्रूव्ड इट एज ए सेफ फूड सप्लीमेंट। और कई लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास अबाउट बीटामेथासोन एबसेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एब्सेंट, डेक्सामेथासोन एब्सेंट, प्रेडनिसोलोन एब्सेंट, ये रिपोर्ट्स हैं। अब कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया जी हमने वो अपने हमारे शहर में एक लेबोरेटरी टेस्ट कराया था। I've gone through all this, टेस्ट कराया था, उन्होंने बोला इसमें स्टीरॉयड है, ठीक है। एक छोटी लेबोरेटरी के पास इसको टेस्ट करने का इंतजाम होता ही नहीं है, पहली बात। इंडिया में सिर्फ एक या दो लेबोरेटरी हैं, बॉम्बे में एम्स में होगी, उनके पास है, हर लेबोरेटरी कर ही नहीं सकती। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टीरॉल, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टीरॉल विच इज ए नेचुरल थिंग, वो नेचुरल प्लांट्स में होती है, वो स्टीरॉल का टेस्ट भी पॉजिटिव आता है बिकॉज गैनोडर्मा कंटेन्स दैट अर्गोस्टीरॉल। अर्गोस्टीरॉल इज ए नेचुरल प्रिकर्सर ऑफ हॉर्मोन्स, इट कंटेन्स दैट, जिसकी वजह से छोटी मोटी लेबोरेटरी वाले इसमें वो स्टीरॉल दिखा देते हैं। पर हमारे पास सिंगापुर की लेबोरेटरी, मलेशिया की लेबोरेटरी, चेन्नई की लेबोरेटरीज, इंडिया में जब आई थी ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने सब कुछ वेरीफाई किया था, देन DXN वॉज अलाउड टू कम इन इंडिया। एंड 1993 में DXN कंपनी मलेशिया में शुरू हुई और आज दुनिया के 53 कंट्रीज में चल रही है। देर मस्ट समथिंग मस्ट हैव बीन फाउंड, उसके बिना नहीं हो सकता। और अगर USA जैसे कंट्री में खुली, कनाडा में खुली, ऑस्ट्रेलिया में खुली, आई डोंट थिंक दे विल अलाउ इट विदाउट वेरीफाइंग। चल रही है, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। रिपोर्ट चाहिए बहुत सारी हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, यू विल फाइंड वन अर्गोस्टेरॉल। कितनी है सर, थोड़ा सा रिपोर्ट आप दीजिए। आप एज बताइए मेरे को, एज कितनी है, एज उम्र? ओके, पहले उनको शुगर की भी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम उसको एक बार 3-4 साल का था तो फिटनेस का प्रॉब्लम था, तो काफी लंबा इलाज चला था उसका। डॉक्टर दास रोज मिले प्लीज, वी आर आंसरिंग द क्वेश्चंस नाउ। ये क्वेश्चन हो सकता है और भी किसी के काम आएंगे। हाँ सुनिए, ये किडनी पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक गुर्दे के पेशेंट की बात कर रहे हैं, सुनिए प्लीज। चलो अभी डेढ़ दो महीना पहले प्रॉब्लम आई, फीवर उभर आया और गांठ में दर्द हुआ, इलाज कराने के लिए गए तो दरभंगा में डॉक्टर AN मिश्रा है। ये डायलिसिस कितनी देर से चल रहा है? डायलिसिस
ओके तो क्या उन्होंने ट्रांसप्लांट कराने का फैसला कर लिया? नहीं, डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसप्लांट तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले डायलिसिस भी जरूरी है। ओके और पेशेंट उसे देखने से अगर तो किसी पेशेंट ने डिसाइड किया कि कुछ दिनों में ट्रांसप्लांट कराना है, अगर किसी ने आप सबकी इन्फॉर्मेशन की है कि कुछ दिनों में ट्रांसप्लांट कराना है तो गैनोडर्मा शुरू नहीं करनी। नहीं, अगर कुछ दिनों में कराना है तो नहीं करनी, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं हम स्टीरॉयड देके बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम करते हैं कि बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट हो जाएगा। और या दूसरा एक और, अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है 6 महीने तक गैनोडर्मा नहीं देनी, अदरवाइज देयर आर चांसेस बॉडी विल रिजेक्ट द किडनी। जैसे डायलिसिस चल रहा है उसका, ये दवा मैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए मैं दे रहा हूं, मतलब मैं इसलिए कि डॉक्टर मना करेंगे मुझे पता है, डेफिनेटली इसलिए मैं चुपचाप उसको खिला रहा हूं, दोनों में से दो-दो गोली शुगर और दो-दो गोली। मैं इसका आपको एक पेशेंट का एग्जांपल बताता हूं, शायद आपके जॉब का मिल जाएगा, औरों के लिए भी होगा। बैठिए। लगभग 2 साल पहले एक किडनी के पेशेंट को देखने का के लिए बुलाया गया था मेरे को, चंडीगढ़ के पास एक जगह है वहां। उस औरत का डायलिसिस चल रहा था कुछ टाइम से और उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए कहा अपने डॉक्टर को, जो किडनी का इलाज चल रहा था, उन्होंने कहा जी वो जो औरत है उनको कई सालों से दमे की प्रॉब्लम थी और दमा के कारण उनके फेफड़ों में एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फेफड़े श्रिंक हो जाते हैं, वो हुए थे। तो उनके डॉक्टर ने कहा हम इनका ट्रांसप्लांट करने की सोच नहीं सकते क्योंकि ये जो फेफड़े की प्रॉब्लम है ये एनेस्थेसिया नहीं सह पाएंगी, शायद ऑपरेशन थिएटर में डेथ हो जाए, ये नहीं सोच सकते। तो जितनी देर इन्होंने जीना है इनकी सेवा करो, जो 4-6 महीने जीना है सेवा करो। मेरे को देखने के लिए बुलाया गया, फर्स्ट पेशेंट था मेरा किडनी का, आई कुडंट टेल विद कॉन्फिडेंस के जी बहुत सारे लोग ठीक हो गए जी आप भी लो, वो पहला पेशेंट था मेरी जिंदगी का किडनी का पेशेंट। लिटरेचर लेके गया, गैनोडर्मा की जो किताब वो लेके गया, उनको दिखाया, ये देखो जी जापान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है गुर्दे के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है कि गैनोडर्मा गुर्दे की बीमारी को 100% ठीक कर सकती है, ये किताब में लिखा हुआ है, वो दिखाया। तो वो भी मेरे को कहने लगे क्या हम अपने डॉक्टर से पूछ लें, आपकी अच्छी लगती है पर क्या उनसे पूछ लें जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है इतने सालों से। तो मैंने उनको साफ बोला कि जरूर पूछिए पर पूछने में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि वो जो डॉक्टर हैं आपके, पता नहीं वो हर्बल के प्रति उनका ओपन माइंड है या नहीं, जड़ी बूटियों के प्रति ओपन माइंड है या नहीं। अगर नहीं हुआ जड़ी बूटियों के प्रति ओपन माइंड और उन्होंने बोल दिया कि मेरी दवाई के साथ आपने और कोई नहीं लेना, तो आपको मुश्किल पड़ जाएगी, आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाएगी। बाकी इट्स योर विश, मैं आके मेरा काम था इंफॉर्मेशन देना, बाकी आपकी मर्जी है। उन्होंने वो डॉक्टर साहब से सलाह किए बिना शुरू कर दी, मेरे पे विश्वास किया शुरू कर दी। वो शुरू करने के लगभग महीने 1.5 महीने के बाद उनका डायलिसिस बंद हो गया और 9-9.5 ग्राम पे पहुंच गया।